बाबा जाने लक्की बाबा जाने बाबा जाने मन की बात गो। सो आ गए आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और मैं तो बिल्कुल व्यस्त मस्त और तंदुरुस्त ऑलवेज। आज जगह चेंज, आदमी से प्रेम में एक और पर्सन का एड ऑन, तो दिस इज मी। तो भैया के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा अभी इसके बाद। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे शुरू करते हैं, दिल में लगी साइनिंग इन विद द डेविड टॉक। और हम आ गए आज कपिल भैया के ऑफिस, जस्ट बिकॉज क्या हुआ, दो एक दिन पहले सीन ऐसा सेट हुआ कि हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे, बात करते करते हम चले गए एक मूवी के अंदर बात करते करते। सो दिस इज कपिल वर्मा, मिस्टर ट्रैवलर, और इनका ट्रैवल का अच्छा खासा काम है, भोपाल से जा चाहिए वहां भिजवा देंगे, तुम लोग चले जाना है यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनके काम ट्रैवल हर चीज की, तो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और जो मेरा नाम लगाएगा ना यहाँ पे टिटबिट का रेफरेंस देगा उसको डिस्काउंट भी मिलेगा, फुल डिस्काउंट। अब हम शुरू करते हैं एक चीज कहाँ से, जब ना बाबा जाने मन की बात। किस बात से आपको समझ में आया हो या नहीं भगवान जाने। तो आज हम चालू करने वाले मूवी के बारे में बातचीत, पार्ट टू आने वाला है। स्पॉइलर दे दिया मैंने पहले ही पूरे उसका, जिन लोगों ने देखी है उनको पता है, जिनको नहीं देखी आज मेरे हिसाब से हफ्ता भर से ऊपर हो गया होगा, देखना अवेलेबल है। देखो MX प्लेयर पे है तो मुझे नहीं लगता कि फ्री का आइटम आप लोगों ने छोड़ा होगा, सब चाड़ गए होंगे अभी तक तो भाई हम इसलिए कोई रिव्यू नहीं कर रहे, बस जस्ट ऐसी बातचीत करने आए क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चली जा रही है मैसेजेस में थ्रू कि भाई ये हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं या किसी तरह का अपमान किया है, किसी धर्म विशेषज्ञ के बारे में बात। तो भाई बातचीत ऐसी कुछ भी नहीं है, बातचीत है कि कैसे एक किसी भी एक्स वाई जेड सब दूर होते हैं धर्म में, ये बाबा आश्रम चलाने वाले ये लोग बहुत गड़बड़ काम करते, बड़ी ये छवि खराब है, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है ना। अब भैया करेंगे आगे की बात नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि अभी सडनली लास्ट टू डेज पहले लड़की से कुछ काम था, मुझे कुछ पर्सनल काम था तो उसके लिए मैंने इसे कॉल करा, तो उसी विषय में हम डिस्कशन कर रहे थे और इतने में सडनली जपना एकदम से पता नहीं दोनों के किसी के मुंह से निकला, तो हमने कहा भाई देख ली, बोले हाँ देख ली। तो हमने काफी डिस्कशन करा उस पर कि यार उसके कैरेक्टर क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, हमारे बॉबी भाई जो मतलब बहुत जलवे बिगड़ने वाले आदमी थे, मतलब बॉबी देओल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसने बॉलीवुड में सबसे सेक्सी जैकेट पहनी आज तक, और सडनली अभी तो कोई मूवीज वगैरह आ नहीं रही है लेकिन फिर भी एक अच्छी मूवी आई उनकी। ये अच्छा हुआ है, मतलब लॉकडाउन में OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें बहुत कंटेंट ऐसा देखने को, मतलब क्वालिटी वाली इंटरेस्टिंग, मतलब वो 70 और 90 दशक की जो विलन आ रहे हैं, गोलियां पड़ रही हैं, वो चॉकलेटी पिक्चर देखना बंद हो गई, बिल्कुल कल्ट दिखाने लग गए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहे हैं, चीजें हैं, फैक्ट्स हैं उसके अंदर, काफी चीजें हमें काफी चीजें उससे सीखना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आश्रम सोचा नहीं था कि क्या कंसेप्ट आएगी क्या होगा, लेकिन ये जो आया है इसके बाद अब क्या आएगा नया, अच्छा बहुत देखने लगा है, मतलब कैसे आदमी का काटा जा रहा है इस दुनिया में, वो सब बताया जा रहा है। और इवन मतलब अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के काफी बाबा जो आज की डेट में अंदर है, बाबा घर के अंदर है, इंतजार कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती का, ये ऐसा ही कंसेप्ट ये लोग लेकर आए हैं और उसमें काफी चीजें फैक्ट्स हैं, सारे कल्ट वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं, उन्हें बड़ा मोहल्ला छोटे लोग, मतलब उस टाइम से चालू करी कहानी तो बड़े छोटे नीची जात ऊंची जात की कहानी चलती थी, इन चीजों में बाबा लोग के पास थोड़ा सा पावर्स वगैरह रहती है तो ये लोग उस पावर को क्या यूज करते हैं वो बड़ा मोहल्ला छोटा मोहल्ला में पता चल रहा है, कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं आदमी को तुरंत में, मतलब तो जिनने भी नहीं देखी है प्लीज वॉच करो। और दूसरा पता है इसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या है, वो आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी छिचोरे इधर वाला मम्मी, एक नंबर मतलब मम्मी से एक्सपेक्टेशन नहीं था वो पापा बन जाएगा बेसिकली। हम यहाँ फैक्ट ये क्लियर करने आए हैं कि ये किसी की भी धर्म और हिंदू समाज या किसी भी
इस तरह से धर्म से जुड़ी हुई चीजें नहीं है, धर्म से जुड़ी हुई ऐसे है कि किस तरह से एक ठग, एक चोट्टा, एक फ्रॉड किस्म के कुछ लोग आपस में मिलके और लोगों के इमोशन, रिलीजन से जो लगाव है इन चीजों का, वो किस तरह मजाक उड़ाते हैं, फायदा उठाते हैं उसको बिजनेस बना लेते हैं करोड़ों अरबों रुपए का। हमसे भी इस बारे में बात करना है। अब कुछ बातें ऐसी, मतलब उसमें ब्रांडिंग प्रमोशन, ब्रांडिंग बॉबी देओल को जो बाबा बना के उनने प्रमोशन और वो किया है ना, सीरियसली उस आदमी ने मतलब अपना कैरेक्टर, आज उसकी जो बॉडी आप लोगों ने देखी होगी रेस 3 में देखी होगी, सलमान के आगे दूर नहीं लगी, लेकिन फिर भी इसमें उसने दो बार बॉडी जरूर दिखाई। रेस 3 में तो बॉबी भाई को हाथ बत्ता दिया था सलमान ने। मैंने तो पहली बार किसी बाबा के आश्रम में जिम भी देखा, जिम बना हुआ है। अरे लेकिन सबसे बढ़िया बात वो चांदी की गिलास बाबा मन की बातें बता बता के सबको ऐसा काटते, ऐसा रग रग के काटते हैं। और उसके अंदर जब शुद्धिकरण आप देखोगे तो शुद्धिकरण से आपको पता चलेगा उनका शुद्धिकरण का लेवल, मतलब ऐसे समझाता हूँ, कमेंट करके बताना कि क्या था इसको किसी भी तरह की, अगर इसको देखना है और इसको जोड़ना है ना तो ऐसे जोड़ो कि ये कोई भी बाबा वगैरह आगे से आप लोगों का फायदा नहीं उठा पाए, और अगर कोई फायदा उठा रहा हो तो उसको समझाया जाए भाई इन चक्करों में मत पड़, मंदिर में भगवान की दो अगरबत्ती लगा उनकी पूजा कर, उस पे विश्वास सतर्क रहो, बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसे बिजनेस बहुत होते आ रहे हैं, कुछ आगे खत्म भी हो गए हैं, बट फोकस करें इन चीजों के अलावा, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रॉड बहुत सारे आते हैं, हर फील्ड में फ्रॉड होते हैं, हर फील्ड में आपके ऊपर है कि आपने क्या चूज कर रखा है। बेसिकली सिंपल सी बात, भैया भी फ्रॉड बता सकते हैं, भैया भी फ्रॉड कर सकते हैं, यहाँ से आपको डमी टिकट काट के देते मनाली की, तो मनाली पहुंच ही नहीं पाओगे, आप एग्जाम्पल दिया, क्रॉस चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, उसके बाद करिए, आपको लगता है कि अगर कोई बाबा ये अच्छा भी है तो आप बिल्कुल उनके साथ आश्रम में जाना, जहाँ चीजें करना सब कर सकते हैं। जहाँ तक हमने जो बाबा देखे जिनको गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, वो लोग पैसा हाथ नहीं लगाना और ये सब दीन दुनियाओं से बहुत दूर रहते हैं, उनके चेहरों से भी ये वाली महक नहीं आती कि बाबा के पैरों में चढ़ा दो तो अच्छा है, जन्नत है। और ये सुई से लेके तो मोटर कार तक सब सतर्क होके लेते हो ना, चार बार चेक करके तो धनी बोल देते हैं यार कि यार i20 क्यों ले रहे हो, दोनों के रेट सेम है, वो कंपैरिजन हर हर चीज में है ना, तो धर्म की बात आती है वहाँ पे आँख क्यों बंद कर लेते हो, वहाँ पे आँख क्यों बंद कर लेते हो, सही बात है, वहाँ भी चेक करो चीजें मिलेंगी, बहुत अच्छा होगा। मेन मुद्दे की बात इससे था, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक मूवी तो आए थे तूने पानी पूरी कब से नहीं खाई, पानी पूरी अलग है वो भी अलग ही था। तो भाई इस तरह के बाबाओं तो दूर समझ गए होंगे, समझ गए हो तो कमेंट करके बता दो कि कौन से वाले बाबा की बात हुई, ये पानी पूरी या चार चटनी जो किला किला के कृपा बरसाते थे। तो भाई कृपा कहीं से नहीं आनी है, ऊपर वाले के इधर से ही आनी है, गुरुओं का साथ होना बहुत जरूरी है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो ये था बातचीत अबाउट आश्रम, तो बॉबी देओल की एक्टिंग 4 नंबर दे देंगे, मैं 4 दूंगा, ठीक है। मम्मी की एक्टिंग 3-4 अच्छा, वो तुम जिस रोल से देखा है ना, वहां से जो हम मम्मी की बीवी बनी है ना, वो चल के बाबा का अकाउंट संभाली गया आगे, मतलब रिलेट कर सकते हो आप। अभी सेकंड पार्ट में देखना, वो डिफरेंट इंटरेस्टिंग आने वाला है, आने वाला है, सोच नहीं सकते बाबा जाने, लक्की बाबा जाने, लक्की बाबा। तो भाई आज की मस्ती मजा के यही था, तो भाई सो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना अपने लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारी अच्छी फैक्ट वाली जानकारी दी है कि अपन कैसे दूसरों को, बेचारों को जो गरीब इन सब चीजों से रिलेट नहीं हो पाते और उनको एट दी एंड सिर्फ भगवान का सहारा दिखता है ना, तो वो और किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, तो उन लोगों से शेयर करो। तो आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जो पार्ट पसंद आया हो कमेंट करके जाना, और भैया के ट्रेवल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर और कूपन कोड के साथ। दिस इज मी लकी साइनिंग ऑफ विद द टेक टॉक्स, एंड जो दिल में आए वो करो, बाय बाय।